अपनी जिंदगी का कोई भी काम करो, मीडियोकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। रहना है तो फिर ऊंचाइयों पर, सबसे ऊपर। साथ ही साथ ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, साथ ही साथ ये याद रखना कि जितनी ऊंचाई पे जाओ, पैर जमीन पर हो। बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता, मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता। रहेंगे हम सदियों जवाब तय कर लिया हमने, बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा। मेरी उम्र रवा 25 से ऊपर नहीं होगी, उधर सिन उनका 17 से 18 हो नहीं सकता। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब अद्दान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, हम थोड़ा जाती तौर से भी जानते हैं। एक चीज़ मुझे खुद भी आज पता चली और मैं चाहूँगी कि आप जो हैं वो आज यहाँ पे स्टेज पे ये चीज़ करके दिखाएं, ताकि ये बच्चे भी खुश हों, उनके लिए आप भी कुछ तोहफा लेके आएँ। अद्दान बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, तो कौन सुनना चाहेगा इनकी बांसुरी? अद्दान क्या आप प्ले करेंगे? ये तो मैं ले आई, मैंने आपसे पूछे बगैर, ये तो मेरे साथ रहती है। मगर अब एक काम करें, वो माइक चल नहीं रहा, आप इधर आ जाइए ताकि इस पे आप बलून चला सके। हेलो, चल रहा। बांसुरी सुननी है तो मैं बोलूंगी 1 2 3, खामोशी हो जाए प्लीज। 1 2 3। आपने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, आपने एक्टिंग भी की, आप अब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और टर्की के कॉम्बिनेशन से, यू आर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जी हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसा किरदार है जो बड़े सोच के साथ, उसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च हुई कोई 3.5 साल की, एंड वो टर्की में बन रहा है आजकल। आप उसकी डब के साथ हो के पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, उसको एक निजी चैनल उसको दिखा भी रहा है। मगर जो सबसे ज़रूरी बात थी कि मुसलमानों का क्या रोल था दुनिया भर में, वो एक ऐसे लीडर थे जिनको सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने भी उनको बहुत ही सराहा है। So they talk about him a lot. बिल्कुल, और बहुत अरसे से हमारे यहाँ ऐसी प्रोडक्शंस बंद हो गई थी। आखिरी चट्टान हम देखते थे पीटीवी से आया करता था, उस टाइम पे ऐसे प्लेस होते थे, बहुत अरसे से कमी महसूस हो रही थी। सो थैंक यू कि आपने जो है ये खला भी पूरा किया। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है इस किस्म के प्लेस बनाना, और साथ ही साथ क्योंकि एक ज़माना था, पीटीवी का दौर था, उसमें आप देखते थे कि आखिरी चट्टान की बात की, शाहीन की बात की, ये सारे ड्रामे, तारिक बिन ज़ियाद, ये ड्रामे बना करते थे, ताबीर होता था। आजकल ये दौर ख़त्म हो गया है, तो पीटीवी की बड़ी खिदमात है इस हवाले से। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, हम माइनॉरिटीज़ के लिए भी ड्रामे बनाते थे, तो मैंने जो अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाया है तो उसके अंदर सीता भागड़ी एक हिंदुओं के लिए भी एक ड्रामा बनाया, कि उनका भी एक किरदार है पाकिस्तान की बनने में और उसकी
तरक्की में और हमारा हिस्सा है, वो हमारे शहरी है बिल्कुल। और आई एम श्योर कि जब आप यहाँ पे जो प्ले बनाने की बात कर रहे हैं, क्वेटा बलूचिस्तान की बहुत रिच हिस्ट्री है, तो आई एम श्योर कि आप उसको भी आगे चलेंगे। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और वैसे तो हर फैमिली मेम्बर की अपनी जगह होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अदनान आपके अक्सर गुफ्तगू में हमने आपके वालिद का जिक्र बहुत सुना है। जी हाँ बाबा, मेरे ख्याल में बहुत सही सुना है और होना भी चाहिए। आज वो नहीं है इस दुनिया में, मगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हवाले से एक हम मिसाल देते हैं, तालीम और तरबियत वो बिल्कुल गलत है, इसको उल्टा होना चाहिए। तरबियत और तालीम, जो तरबियत का हिस्सा है, जो घर से जो आपको मिलती है तरबियत, जो 5-6 साल है, वो आपकी ज़िंदगी पे हमेशा रहता है, वो असर अंदाज हमेशा रहेगा। जो आप घर से सीखते हैं वो कभी आप भूल नहीं सकते। तो तरबियत के साथ तालीम, और तालीम तो ज़रूरी है, मगर जब तरबियत आपको मिल जाएगी घर से, तो आप कहीं नाकाम नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि तरबियत तालीम की माँ है, तो यकीनन ये बहुत अहम पहलू है। अच्छा, आपके बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं जिन पर हम अभी ज़रा और भी आएंगे, खैर इतने हिडन नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी। आप जिस तरह से मैं बता रही थी कि अदाकारी की, आपने मॉडलिंग की, प्रोडक्शन की, आप शायरी भी करते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, लिखने का कोई इरादा है? मूवीज में भी आपने काम किया है, पर कुछ लिखने का भी आपका इरादा है? ऐसे तो लिखता रहता था मैं, मगर अब बाकायदगी से एक सीरियल पर काम कर रहा हूँ मैं। उन्वान बता देता हूँ, पहली मोहब्बत अब हुई है, वो बहुत जल्द आप देखेंगे, वो मैं लिख रहा हूँ। That's it. अच्छा, आपकी एक आई थिंक नज़म भी है, वो तो बाद में सुनाऊंगा, मगर एक हवाले से एक जबरदस्त एक एक सुना दे, एक बाद में सुना देंगे, सुन लेंगे, क्या ख्याल है, सुन लें कुछ अदनान सिद्दीकी का लिखा हुआ? मेरा नहीं लिखा हुआ, ये किसी का है, मैं आपको सुना देता हूँ। Okay. मैं बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता, मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता। रहेंगे हम सदियों जवाब तय कर लिया हमने, बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा। मेरी उम्र रवा 25 से ऊपर नहीं होगी, उधर सिन उनका 17 से 18 हो नहीं सकता। सुना है कभी सूरज तुलू हो जाए मगरिब से मुमकिन है, शादीशुदा फिर से कुवारा हो नहीं सकता। कहते हैं कि नेक बीवी हूर की सूरत में मिलती है, सुन रहे हैं ना शाह साहब, नेक बीवी हूर की सूरत में मिलती है, मेरा जन्नत में इस तरह खसारा हो नहीं सकता। खुदा से यूं कहूंगा, ऐ खुदा, ऐ मुसीबत टालने वाले, खुदारा ऐसा हो नहीं सकता। कोई सी हूर मिल जाए सब्र कर लूंगा, अपनी बीवी का शौहर में दोबारा हो नहीं सकता। आखिर में जवानी में बीवी खामखा साथ रहती है, जवानी में बीवी खामखा साथ रहती है, बुढ़ापे में बगैर उसके गुजारा हो नहीं सकता। जबरदस्त। तो अभी जो आप खुद लिखते हैं उसको हम थोड़ा सा महफूज रखते हैं आखिर के लिए। अच्छा अदनान, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में से अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो क्या आपके तासुरात होंगे, और कोई आना चाहता है? अगर मैं जो काम कर रहा हूँ और अपने बच्चों को उस काम के लिए मना करूँ तो ये तो दोगलापन हो गया, तो मैं तो नहीं मना करता। जो मुझे मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया, मैं वही उसको बात कह के आगे कह दूंगा। आगे उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मुझे याद है जब मैं अदाकारी की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपने अब्बा से कहा, जो आप कहते थे पढ़ने को, मैंने पढ़ लिया, आगे मैं अदाकारी की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि क्या बनोगे तुम? मैंने कहा अदाकार बनूंगा, और क्या बनूंगा? कहते नहीं, अदाकार तो बहुत है। तो मैंने कहा उनमें एक मेरा भी नाम होगा। कहते नहीं, एक चीज याद रख लो, जिंदगी का कोई भी काम करो, मीडियोकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। रहना है तो फिर ऊंचाइयों पर, सबसे ऊपर। साथ ही साथ ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, साथ ही साथ ये याद रखना कि जितनी ऊंचाई पे जाओ पैर जमीन पर हो।
तीसरी बात उन्होंने कही कि आज तुम हीरो आओगे, कल हीरो के भाई बनोगे, फिर चचा बनोगे, फिर बाप बनोगे, दादा बनोगे, इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, मगर एक चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ह्यूमिलिटी, आजजी। जितनी आजजी, जितने ह्यूमन रहोगे, जितना जमीन पे रहोगे, इंशाल्लाह उतनी तरक्की करोगे। और आखिर में एक शेर सुनाया उन्होंने मुझे, जो एज ए लेगेसी मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं, उरूजे बख्त मुबारक, उरूजे बख्त मुबारक, मगर ध्यान रहे इन्हीं दिनों के ताकुब में है जवाल के दिन। जबरदस्त। और मेरे ख्याल से आपने अपने फादर की उस बात को पल्लू से बांध लिया, और आपको जो है हम देखते हैं कि सिर्फ ड्रामास में नहीं, फिल्म्स में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, हॉलीवुड तक जो है आपने काम किया। अच्छा जरा अभी जो आप हम लोग बात कर रहे थे कि हम भी यही समझते हैं कि आपने सब काम किया, कि काम को देख के जो है वो हॉलीवुड ने आपको अप्रोच किया, लेकिन सीक्वेंस जरा उल्टा है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, तो ये ट्विस्ट जरा आप बताना चाहेंगे? एक अंग्रेजी की मिसाल है, इफ यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ यू गेट द बेस्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एक ऑफर आएगी हॉलीवुड से। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, मेरा एक ऑडिशन हुआ, दो हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे पे मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये जो इतनी दिनों से आ रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, मुझे समझाएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि जनाब आप एक फिल्म के लिए हम ऑडिशन कर रहे थे, और एक आप मिलिट्री इंटेलिजेंस का रोल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। और जो साहब थे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिनका मैंने रोल किया, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, डॉक्यू ड्रामा, उनका नाम था दोस्त अलियानी, ही वॉज इन मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा इस फिल्म में है कौन कौन? तो उन्होंने कहा जी इसमें इरफान खान है। तो मैं यूं हो गया, मैं कहा इरफान खान? मैं कहा जी जी। उसके बाद मैंने कहा और कौन है? साजिद हसन। मैंने और खुश हुआ, मैंने कहा और कौन है? उसने कहा उसके अंदर एंजेलिना भी है। तो मैं आराम से जाके बैठ गया। कहते मैंने कहा हाँ, एंजेलिना ने मुझसे कई चार पांच दफा पूछा है कि वो उनके मैं उनके साथ काम करूं। सॉरी अदा, मैं बात काट रही हूँ, मैं बता दूं लोगों को कि एंजेलिना हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। तो मैंने कहा उन्होंने मुझसे कहा है कि चार पांच दफा काम करो। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं आप शायद समझे नहीं। मैंने कहा किस एंजेलिना की बात कर रहे हैं आप? कहते एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, मैं समझ रहा था एंजेलिन मलिक को, मुझे क्या पता था वो एंजेलिना जोली होंगी। तो वो एक फिल्म हुई। उसके बाद मैं बुशरा आपा का एक सीरियल कर रहा था, पाकीज़ा, और बहुत ही ज़बरदस्त किरदार था उसके अंदर। वो किसी ने इंडिया में देखा, और वो बोनी कपूर की साहबजादी थी, उन्होंने देखा उस रोल को। उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि अगर आपने फिल्म में लेना है तो इन साहब को लें। तो फिर मैं इंडिया गया, मॉम मैंने फिल्म की श्रीदेवी के साथ। उसके बाद फिर पाकिस्तान में लॉलीवुड में एक फिल्म की जिसका नाम था यलगार। मतलब सीक्वेंस आपका रहा हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, लॉलीवुड, ऐसे। वेरी नाइस। अच्छा तो अभी और किसी मूवीज में क्या नए प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, मूवीज के हवाले से भी, और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप उसमें खुद भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? जनाब बहुत जल्द आप देखेंगे, उसी लिए मैं बाल वाल बढ़ा रहा हूँ कि ये बाल जरा और लंबे हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है जी, जिन्होंने लंबे बाल रखे हैं सलाम है उनको। ये फिर उसके लिए मैं एक कर रहा हूँ, फिर एक मैं फिल्म इंशाल्लाह दिसंबर में लॉन्च करूँगा, और एक सीरियल पे काम कर रहा हूँ मैं। That's nice. अच्छा जो लोग यहाँ आगे बैठे हुए हैं, मुझसे दो तीन लोगों ने कहा था कि वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी माइक आप तक नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन आप यहाँ जो कैमराज हैं इनके पीछे खड़े होकर एक जोरदार सवाल कर जाइएगा, ठीक है? और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो प्लीज उनको गाइड कर दें ताकि हम आपके सवाल दे सकें। और ये फरमाइश खास तौर से अदनान की थी कि हम बच्चों से सवाल जरूर लें। ऑफ कोर्स आप सबके सवाल होंगे, सबके हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन एक दो हम चाहेंगे कि ले लें ताकि अदनान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आप लोगों को भी लगे कि हाँ हमने खुद गुफ्तगू की है। ये तो बिल्कुल आगे से ही पूछ रहे हैं, पूछ लें यहीं से, मैं बता दूंगी।
अच्छा मेरा सवाल ये है अदनान भाई से कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक कॉलेजेस लेवल तक इसको एक सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाए तो Good. आज तक आपने इस हवाले से कोई सजेशंस दी? गुड, सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू अदनान. हम दो तीन सवाल लेके देखा पाएंगे ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है. जी चलें, जब तक आप आई डोंट नो कुछ सॉर्ट कर रहे हैं अदनान. बाकी में क्या टीचिंग में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि ड्रामा थिएटर के अब कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, फिल्म मेकिंग भी हो रही है, तो आप कहीं पढ़ा रहे हैं या आपका क्या हो? मैं पढ़ा तो नहीं रहा, मगर शाह साहब के आर्ट काउंसिल कराची के अंदर ही पढ़ाया जाता है, अदाकारी लिखाई ये सब सिलसिला उधर चल रहा है. फिर नेपा है और फिर एक स्कूल अभी और भी खुला है, तो उस हवाले से मुझसे उन्होंने बात की है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक सब्जेक्ट के लिए ज़रूर जाऊंगा उधर. मगर एक अरसे से सिलसिला तो चल रहा है कराची में, और अब उसको आप जो कह रहे सिलेबस के अंदर होना चाहिए तो ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जहां हमसे खिदमत हासिल की जा सकती है हम जरूर आएंगे. क्या आपके यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट हो? खैरा नहीं. नहीं तो बिल्कुल आपके डीन यहाँ मौजूद हैं, वो ऑफकोर्स बीसी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन्होंने आपकी ख्वाहिश भी सुन ली. अच्छा एक बात और बताइए कि जिस टाइम पे आपने एक्टिंग शुरू की तो उस जमाने में एक्टिंग को बहुत संजीदगी से एज अ करियर नहीं लिया जाता था, और डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स का भी रहा है. आपने बैंक में भी काम किया है, आपने टेलीकॉम में भी काम किया है, तो जब आप एक्टिंग मॉडलिंग में आए और फिर आप अदाकारी में आए तो क्या आपको ये सवाल सुनने को मिला था कि अच्छा अच्छा अदाकारी तो करते हो लेकिन वैसे क्या करते हो, असल में क्या करते हो? तो सिलसिला शुरू ऐसे ही हुआ था कि जब मैं गया और मैंने पहले दिन जब मैंने एक हमारे बहुत बड़े अदाकार हैं और उनको मैंने देखा कि टीवी की जो लॉबी है उसके अंदर वो बेचारे एक प्ले कार्ड लेके बैठे हुए हैं कि मेरे इलाज के लिए मदद की जाए, और जब मैंने देखा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से उनकी क्या कमाल की अदाकारी, तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया था कि भाई ये अदाकारी में तो सिलसिला नहीं गुजारा जा सकता. तो फिर क्योंकि मुझे याद है अभी तक कि उरूसा के जो मुझे जो चेक आए थे वो हम 3 महीने के बाद वो 15,000 रुपये मिले थे मुझे, तो उससे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी. मगर उरूसा का वाकया ये है कि मैं और मिशी इंट्रोड्यूस हुए थे उसके अंदर. मिशी 3 भाइयों की एक बहन है, तो जब वो बात करती थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा, तुम भी चल रहो मेरे साथ खाना खाने, तो मैं बड़ा परेशान हो गया. मैंने कहा इसमें हीरो कौन है, मैं हूँ कि मिशी है? वो आता जाता खाता ऐसे बात करती थी, टॉम बॉय थी. अच्छा मुझे इशारा आ गया है पीछे से, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी भी बातें करते रहे कम होता है. मैं चाहती हूँ कि क्लोजिंग में आप अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएं और उसके बाद हम यहाँ से कुछ बजा देता हूँ जबरदस्त सा. बजा दीजिए, बिल्कुल बजा दीजिए और आप सब गुनगुनाइएगा. जी अहमद शाह की, अब अहमद शाह की तो किसी बात को हम इनकार कर ही नहीं सकते. कह रहे अदनान को बोलो पोएट्री सुनाए. आप लोग मुत्तफिक हैं, कुछ सुन लेना अदनान का लिखा हुआ भी.
बहुत मजबूर होकर देखते हैं, जो अपने बहुत मजबूर होकर देखते हैं, सॉरी दूसरा सुना देता हूं, बहुत मजबूर होकर काटते हैं जो अपने ख्वाब के पर काटते हैं। आप कहीं जाए ना जाए लेकिन मेरा रास्ता बराबर काटते हैं। वाह, ये हमारी पीढ़ियों की शह रगे हैं जिन्हें हम पेड़ कहकर काटते हैं। वाह, बहुत मुश्किल है पर्चे जिंदगी के, मदद मांगो तो नंबर काटते हैं। कहां जाते हैं वो बूढ़े परिंदे जिन्हें खुद अपने ही पर काटते हैं। भले जितने मकान तब्दील कर लें, बिना माँ बाप के घर काटते हैं। वाह, मुकर्र है। और एक आप सबके लिए है, यहां गम से मुराद है योर हार्डशिप, योर स्ट्रगल्स, योर फेलियर्स। और ये मुझे मेरे वाले साहब बचपन में सुनाते थे, जब मुझसे कोई भी काम नहीं होता था तो कहते थे जो मैंने शेर सुनाया है उसे दोहराओ। तो ये आप सबके लिए है, वो शेर है, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, जब मुझ में थकन ना पाई मेरा साथ छोड़ गए। तो हिम्मत मत हारिए, जो काम कर रहे हैं लगन के साथ कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, साथ मेहनत जरूरी है, अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। क्वेटा आप बताइए जाते जाते कि अदनान से आप लोग कितना प्यार करते हैं। 1, 2, 3 Have a big hand for Adnan Siddiqui. अभी जो है ना, कुछ और हमने आपके लिए जबरदस्त चीजें रखी हुई हैं, तो यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। मैं सीएम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि पूरे 2 दिन मैं सुबह से रात तक बैठूंगा, लेकिन वो एपिक्स कमेटी और उस चक्कर में नहीं आए, तो आप इतना टाइम दे रहे हैं इन नौजवानों को, बच्चों को, तो हैव अ बिग हैंड फॉर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। ठीक है, और अदनान ने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि बेटर, सो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो आपकी जो मेजबानी थी और जो आज और जो कल हमने देखा है, कमाल है जनाब, बहुत देर की मगर आए, दुरुस्त किया आके। वो तो खुद अभी आए, देर का किए हमने हम आते रहेंगे। तो